फाइनली ट्रेन निकल चुकी है। ये मोहित को देखो, बहुत हैप्पी जर्नी होने वाली है। मोहित को बहुत हंसी आ रही है। हाँ, कितनी अच्छी आ रही है मोहित जी को। उनसे मिलन की, मिलन की जल्दी है, ट्रेन की धीमी है रफ्तार, मेरा बस चले तुम्हें। तो खेल रहे हो? यस। तो आप मेरे को वो तो भेजो ओटीपी। जर्नी बहुत ही लंबी है, 14 आवर्स की जर्नी है, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अब 14 घंटे कैसे निकाले? सो तो सकते नहीं, अगर रात होती तो सो जाते। क्यों पहलवान? बराबर पहलवान बन गया व्लॉग इसका। व्यू कैसा लग रहा है मम्मा? हेलो बोला मामा टाइगर एम के, तो हम उनको बाहर फेंक देंगे। ओके फेंक देंगे बेटा मोहित मामा को बाहर। तो अभी सो चुके हैं। भाभी को भूख लग चुकी है 1 घंटे नींद लेने के बाद। नींद आई नहीं कोई? हाँ मतलब वही 1 घंटा लगी थी। सर सो गए? सर बोला सर पबजी में लगे हुए हैं। हाँ कान पूरे इधर ही लगे क्या आप? नहीं भाभी हम तो पहले ही खा लिया। आप जब तो इनकी भी नींद हो गई है, इनकी भी हो गई है, और ये भी उठ गई है। व्यू बोल रही है बार बार ये मेरा घर है, ये आपका घर है, और बोल रही है ये पहलवान चाचू का घर है। पहलवान चाचू सो रहे हैं। दे बोला मेरा मोबाइल लगा तो चाचू। ओ अच्छा मेरा मोबाइल कितना पुराना है। पुराना है इस व्यू को कितनी मजा आ रही ट्रेन में। हेलो व्यू पापा क्या कर रहे हैं? चाय चाय बोल रहे भैया। चाय 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 लग रही क्या? चाय चाय गाय व्यू चाय वाले किधर है? समोसे गरम करो तो दलम बजी दलम चाय दलम समोसे गलम दलम आलू बड़ा गलम दलम है ना। आप करो तो व्यू अपन घर पे कैसे करा रहे करो तो व्यू इससे। कौन फ्रूट्स खाता है? है ये क्या है? पियर्स। अच्छा बता दिया बाबू। मैं तो उसको वो समझ रही थी सीताफल। कौन से जन्मों के भूखे आप लोग, जब से सुबह के 5 बजे से इस ट्रेन में बैठे जब से इनका मुंह ही चल रहा है दोनों का। 22 एप्पल खा लिया हमने तो। 22 तो अच्छा है ना, रिकॉर्ड तोड़ो 50 खा के जाना। धीरे से ऊपर से फोन भेज रहा है, बोले बताओ ये फोटो कैसा लग रहा है। बस बहुत बढ़िया वेरी गुड। इधर 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 दिखाना जरा, इधर घुमाना। मोहित जी पानी ले आओ। व्यू सोने दो लेट, बाबू पापा को नींद आ रही है। हमारी भूसली पहलवान है, बोले ट्रेन में सोना मना है। पागलों को देखो, मोटलू चिल्लाओ मत, सो रहे फिर भी सो जाएगी। लाडो सो जाओ, आप भी सो जाओ बेटा, सो जाओ। चिल्ला छोट मत करो, वो सो रहे हैं ना सर। क्यों पहलवान की लाइफ में जिस दिन क्यों ना आएगी उस दिन उनके बाद पत्ता आ जाएगा। ये देखो बोलना भी नहीं आता कुछ भी पागल है। हाँ क्या पहलवान भैया पापा जी बोलना क्या है ना कि अपने जिंदगी में कोई क्वीन नहीं, इसलिए पत्ता भी नहीं आते। जिस दिन अपनी लाइफ में आएगी ना तो फिर तो ना जाने क्या ही होगा, अपनी भी बर्बादी लिखी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं तो सब सोने सबसे सोना कितनी नींद।
बहुत ज्यादा, मैंने जितना तो कोई सोया ही नहीं। खराब ही हो रहा है कैमरा, नीचे पूरा ब्लर आ रहा है। ये देखो ये मस्ती कर बच्ची को, ये सुबह से किसी को भी नहीं सुन रही। अब थोड़ा ना व्यू नीचे नहीं आएगी, अब व्यू उतरेगी थोड़ा ना। वो व्यू ने जट्टा सब खोल दिया, जट्टा खाने पीने के। अब स्टेशन आया तो कुछ तो क्या बनाओगे, सैंडविच बना दो। हम लोग जयपुर स्टेशन आ चुके हैं और 5 बज रही है और ये लोग कुछ खाने के लिए लेने उतरे व्यू के लिए। रिच जी को अंदर छोड़ के आए हैं सारा सामान की रखवाली करने। देखो समोसा, समोसे समोसे जैसे हो रहे हैं और समोसा ले आए हैं। पेटीज है भाभी, मैं इसलिए समोसा नहीं लाया। पेटीज क्या, तो आपके जैसे ही लग रहे हो यहाँ। और आप इतनी सारी चीजें फिर यार, देखो मुझे लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है, बाहर जंग के मैदान में लाके करो जो भी करना है। डैडी आ रहे हैं, वो देखो आ गए। थैंक यू, बहुत जोर से हमको प्यास लगी थी, थैंक यू सो मच। ये दोनों कोई काम के नहीं है लड़के, थैंक यू। नहीं बस ठीक है, सोन पपड़ी लाओ, सोन पपड़ी नहीं खाना। चलो चंगू मंगू, ओ मेरे बेटा चंगू मंगू, क्या चल रहा है बेटा? नेट चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, और ये तो पता नहीं चिप्स मिक्सर निपटाने में लगे हुए। जब मैं तो सोच रहा है कि राजस्थान से जैसे ही रिटर्न इंदौर आऊंगा तो बस वेट कम करूंगा, बाकी अभी तो 10 दिन खूब दिल से खाऊंगा, पेट बढ़ाऊंगा। गेनिंग करोगे उसके बाद? रिपिंग खाना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या चल रहा है भाई साहब, क्या है? ये निकलने ही वाली है बस उधर से, ये क्या चल रहा है? ट्राइसेप लगा दे, बॉडी भाला सर की बॉडी। हद करती रहे तुम लोगों ने तो, कहीं भी शुरू हो जाते वर्कआउट करना। लगे सर बाइसेप ये आगे और व्यवस्थित रखो पुशअप। वो देखो एक बेटे बेटे मसल पंप कर रहे हैं। पंप हो गया, आई हैव पल्स सर को ये दिख गया। हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने, पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ। आई नो मैं बहुत गंदा गाती हूँ, प्लीज इग्नोर करना मेरी वॉइस को। जी भोला बाबा की सवारी आ गई क्या आपको? क्या चाहते क्या हो आप? देखो वो अलग ही नहीं मान रहा भाई साहब, कब्जे में करना बिल्कुल, वर्कआउट ही चल रहा है इनका आज। एक दिन क्या छूट गया, अरे बाप रे। ओहो पहलवान भैया क्या बात है, स्टेटस पे जाते जिम नहीं गए तो आज यही वर्कआउट चल रहा है इनका। वो हीरो आ गए, एक नंबर लग रही है यहाँ पे, पूरा पैसा आ गया। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
ओहो, क्या बात है, भोलेनाथ जी के बेटे ने मतलब ऐसा, ये बाबा इससे। ये सब हो गई है हमारी तैयारी, क्योंकि अब अगला स्टेशन हमारा आने वाला है और हम अब उतरने वाले हैं। वही तोड़ देख ले नीचे कोई बैग हो तो, है ना। व्यू व्यू भी छोके उठ गई है निंदू में, व्यू तो ना, तो निंदू में हो आप। ये देखो इतनी मस्ती आ रही है, स्टेशन आने ही वाला है, इतनी मस्ती कर रहे हो। देखना एप्पल मेरे पे नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो आप, पहले बताओ क्या कर रहे हो। ओमकाली महाराज की आवाज। ओमकाली महाराज कौन है ये? ओमकाली महाराज आप सर्च करिएगा YouTube पे, कालीचरण बाबा। कालीचरण बाबा की आवाज निकालोगे? निकालना अपने मेरा। साइलेंट रूम का आवाज सुननी है, ये डावर पूरा आ गया। बोला बंद कर एक मिनट। गला थोड़ा ये हाथ करो गले पे साफ, थोड़ा गरारे कर लो। अरे पहुंची का बाद उतरने वाले स्टेशन वाला सैसा था ना, एकदम बारीक तो मजा आई तो करा नहीं ले। तो कैसे आएगी एकदम बारीक? अरे आएगी, मैं आपको कर दूंगा। एक पलट रुक जाओ, दिखा 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 नहीं निकल। एक बार ट्राई करता हूं, लेकिन बहुत यही खड़े रहो। सो अभी हम आ गए हैं मेहता, ये कौन सा है, मेहता रोड आ गए हैं। अब यहाँ से हमारा 3 घंटे का सफर और है। और बैग नहीं थे? यार तेरा सुपरस्टार डिस्क। चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। वो मोहित मामा जा रहे हैं। चलो मोहित जी, बिहू बस यहाँ से 3 घंटे का और रास्ता है, फिर हम हमारी मंजिल पे। चलो हाँ पापा आपके पास ही बैठ रहे हैं। चलो है आप, ये फैक्ट्री है अंबुजा सीमेंट की, हर निर्माण की जान है। वापस बोलना, आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दे इसकी। अंबुजा सीमेंट है हर निर्माण की जान। आपके घर पे भी यही लगी? नहीं, मेरे वहाँ तो दूसरी लगी। अच्छा, अल्ट्राटेक का काम। ये अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है। चंदा मामा बिहू कितने प्यारे लग रहे हैं। चंदा मामा देखिए, चंदा मामा कहाँ है? बोरे सामने। रुके हैं यहाँ पे टी पीने, मैं तो नहीं पीती, ये लोग ही पी रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अब कितने 2 घंटे का और रास्ता है ना। ये उतरना, घर आ गया है, नींद इतनी आ रही है कि क्या कर रहे। चलो बेटा मासी का घर आ गया है, चलो 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 चलो, सामान उतारो अपना। व्यू के शूज इसी में, मासी के घर आ गए अपन। चलो मासी के पास, चलो मासी के पास आ गए अपन। चलो 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 चलो, मासी के घर आ गए अपन। आ गए आ गए आ गए आ गए। ओहो हेलो हेलो हेलो, मासी के घर आ गए। मासी के घर आ गए आप सब क्या? मासी खाली हंस रही है, खाली हंस रही है। ये आते थे बस कुछ भी नहीं करने दिया, खाना खाने बिठा दिया है बस, है ना।
वो देखो वो नीलम बाबू पहुंची है इट्स 12:30 तो आएंगे तो फिर खाना ही खिलाएंगे ना ऑब्वियसली खाना आ रहा है ये कौन आई ये खाना मुझे एक ही काम होता है बस व्लॉग शूट करना वीडियो शूट करना ये खाना तो दाल बाटी चूरमा है आज इसको खा के हो जाएंगे किसका चूरमा है दाल बाटी चूरमा है खाने वाला सूरमा है किसका चूरमा है भारत माँ के सूरमा है एक मिनट मोहित भैया हैप्पी एनिवर्सरी बोलना नो बहुत टेस्टी बनी है कसम से बोलूं खा के ये खा के देखो कितना टेस्टी बना है कैसा बना है जीजू खाना ये ऐसा होता है कैसा बना है लोकेश जी खाना ईश्वर तुम खाओ पहले खा के देख मुँह में ओ मोहित जी खाना कैसा बना है पहलवान भैया पहलवान सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बहुत ज्यादा टेस्टी पहलवान मैं जानती हूँ ठीक है ये बहुरानी को देखो वहां से ऑर्डर फरमा रही है साथ में रहे हुए एक हफ्ता ठीक है अरे कुछ नहीं कर रहा है इन्होंने डाइटिंग पे है यहाँ पे भी नहीं है कोई डाइटिंग पे वो डाइटिंग पे ही नहीं मेरी ट्रेंड क्या बोल गया वो लास्ट दोनों आप दोनों मैचिंग हो गए ये देखो मुझे छोड़ के चले गए सब फिनिश करने के लिए मैं तो कोई नहीं खाने वाली भैया झूठ मत बोलो पूरा इनने दो कोर खा के उठ गए ये पूछो है ना ये देखो दो कोर नहीं खाई झूठ तीन बाल्टी तो आपकी यही बल्लों में ही चली गई होगी वाइस शेप में ये देखो और बापरे हसीना भी आना को ड्रेस चेंज करवा रही है नाइट शूट पहना रही है ओहो चुंदर चुंदर बाबू हो गया मासी आप कब चेंज करोगे आपको देख के मुझे घबराहट हो रही है मैं सोगी तुम मैं उधर आ रही तुम्हारे पास कूद के मैं थक गई कौन सा अरे मुझे उस पार्लर वाले के पास जाना पड़ेगा चमकने के लिए और मोहित का क्या है देखो दुल्हन के जैसे शर्मा रहे हैं गड्ढा करके जाना पड़ेगा मेरे को उसके अंदर नीचे चमक होने का बाद में भी वो चमक चाहिए तो पर क्या बोल रही थी क्या बोले हम यहाँ काले होते हैं बोले उधर कुछ भी नहीं होता है तो सही बात है किले के पूजा के टाइम यस ये बिल्कुल बहुत जरूरी था ये भोला के लिए बहुत जरूरी था भोला के लिए ये पूजा भोला की पूजा पाठ उड़ी की ताकत ठीक चलो बाय गुड नाइट हेमंत आप यही सो रहे हो ना हम ये ब्लॉग यही खत्म करते हैं गुड नाइट बाय बाय टेक केयर और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाय बाय क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके हैं हम लोग सोए नहीं दो दिन से तो अब सोएंगे बाय 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 बाय